Let's read the lesson, chapter 11, The Weather, THEWEATHER, weather, the weather. Learning points, weather, hot, cold, windy, rainy, cloudy, हो सकते हैं. Seasons, summer, winter and rainy season है. Let's learn, the weather keeps changing, it does not remain the same. वेदर जो होता है मीन्स के हवामान जो होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है वो चेंज होता रहता है, चेंजिंग करता रहता है, वो सेम रिमेन मीन्स रहता नहीं है, हर वक्त एक ही रहता नहीं है. वो हॉट ही नहीं रहता, वो कोल्ड ही नहीं रहता, वो विंडी भी नहीं, वो चेंज होता है. समटाइम्स इट्स कोल्ड, समटाइम्स इट हॉट, समटाइम्स इज विंडी, समटाइम्स इज रेनी, समटाइम्स इट क्लाउडी. Means is keeping on change. The weather changes during the day. Day के दौरान भी weather change होता रहता है. देखिए कैसे, fresh and cool breezy. Breezy means ठंडी जो पवन आती है वो धीरे धीरे आती है, वो breezy बोलते हैं. यहाँ पे ये सीन है, हम देख सकते हैं ये सुबह का मॉर्निंग है, मॉर्निंग का टाइम है, सनराइज हो रहा है, ठंडी मीठी पवन आ रही है, हम इसे देखकर फील कर सकते हैं. द सन राइजेज इन द मॉर्निंग, फ्रेश एंड कूल ब्रीजी ब्लोज, ठंडी पवन आ रही है. द वेदर इज कूल एंड प्लेसेंट, और वेदर मीन्स कि उसका तापमान, उसका हवामान अभी प्लेसेंट है, मीन्स खुशनुमा है, हमें पसंद है वैसा है. पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स, और उस टाइम पर पीपल मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं. सनशाइन एट नून मीन्स दोपहर के टाइम, द सन शाइन्स वेरी ब्राइटली, सन बहुत ही ज़्यादा ब्राइटली, उसकी धूप ज़्यादा होती है. इट इज़ वेरी हॉट, बहुत होती है. ट्रैवलर्स रेस्ट इन द शेड्स ऑफ ट्रीज, ट्रैवलर्स मीन्स मुसाफिर जो होते हैं, जो राहदारी होते हैं, रास्ते पर चलते हैं, वो भी ट्रीज देखे, आप देख सकते हैं ये ट्री है, उसके शेडो है, उसके नीचे ये मुसाफिर बैठे हैं, आराम कर रहे हैं. फार्मर्स जनरली स्टॉप देयर वर्क्स, फार्मर्स जो हमेशा खेत में काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, वो भी दोपहर के टाइम एट नून टाइम वो भी अपना वर्क स्टॉप कर लेते हैं, जनरली वो बंद रखते हैं, नहीं करते हैं उस टाइम, थोड़ा रेस्ट लेते हैं. नेक्स्ट, प्लेजेंट इवनिंग, इवनिंग का यहाँ पे सीन दिया हुआ है, सन इज सेट, थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी छाने लगा है, वो सब कैटल है, एनिमल्स है, वो भी अपने घर जा रहे हैं, हम देख सकते हैं पिक्चर में. लेट्स रीड, द सन सेट्स इन द इवनिंग, इवनिंग के टाइम सनसेट होता है. इट बिकम्स कूल एंड प्लेजेंट अगेन, वो फिर से अभी क्या होगा, वेदर प्लेजेंट हो जाएगा, फिर भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा. सम पीपल गो फॉर इवनिंग वॉक, थोड़े पीपल इवनिंग को भी वॉक करने जाते हैं. चिल्ड्रन प्ले इन द ओपन, छोटे बच्चे होते हैं वो बाहर खुले में खेलते हैं इवनिंग के टाइम. कैटल रिटर्न होम्स मीन्स वो जो भी एनिमल है, गाय भैंस बकरिया वो सारे घर पर लौटते हैं. बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट, और बर्ड्स भी देखो अपने नेस्ट पर रिटर्न आ रहे हैं. नेक्स्ट, द वेदर चेंजेस फ्रॉम वन डे टू अनदर, अभी एक दिन के बाद दूसरे दिन भी वेदर चेंज होता है, कैसे देखते हैं. सनी डेज फर्स्ट, ऑन सनी डेज द स्काई इज क्लियर, आप देख सकते हैं ये सनी डे है, सनशाइन वेरी ब्राइटली, और स्काई कैसा है, क्लियर है, उस मीन्स कि उसमें बादल नहीं होते है, उस टाइम बादल नहीं दिखाई दे रहे. द सन शाइन्स ब्राइटली, और सन की रोशनी उसकी धूप ज़्यादा होती है. द वेदर इज वार्म, और जो अब एटमोसफियर है, हवामान है, वो थोड़ा गर्म रहता है सनी डे के दौरान. नेक्स्ट, क्लाउडी डेज, ऑन क्लाउडी डेज द स्काई इज ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स, उस दिन ओवरकास्ट मीन छा जाता है, बादल आकाश में सारे बादल छा जाते हैं, कभी कभी तो हम सन को देख भी नहीं सकते, सन को भी वो ओवरकास्ट कर लेता है, वो ढक देता है. समटाइम्स द सन इज नॉट सीन, जैसे मैंने बोला कि सन को भी हम नहीं देख सकते, इतने सारे बादल आकाश में होते हैं. लाइट इज़ वेरी पुअर, सन
को वो ढक देता है बादल, उसकी वजह से हमें उसकी रोशनी बहुत पुअर मीन्स बहुत कम मिलती है, अंधेरा सा ही लगता है। द वेदर इज डल, और उस वेदर को हम डल वेदर बोलते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये डल वेदर का पिक्चर दिया हुआ है, बहुत सारे बादल है, घने बादल है, और सन भी नहीं दिखा रहे, उसकी रोशनी भी थोड़ी कम ही है, थोड़ी थोड़ी रोशनी ही आ रही है। नेक्स्ट, विंडी डेज, ऑन विंडी डेज स्ट्रांग विंड्स ब्लो। विंडी डेज मीन्स ऑन जरा थोड़ी ज़्यादा होती है उन दिन, उस दिन को विंडी डे बोलते हैं। द वेदर रिमेन्स कूल, और पवन की वजह से, हवा की वजह से तापमान थोड़ा ठंडा रहता है। नेक्स्ट, द वेदर चेंजेस फ्रॉम सीजन टू सीजन। हमने देखा कि दिन के दौरान भी वेदर चेंज होता है, डे के डे भी दिन सीजन चेंज होता है, वेदर चेंज होता है। अभी सीजन की बारी आई, तो वेदर सीजन के सीजन भी चेंज होता है। हम जानते हैं तीन सीजन है, समर, रेनी और विंटर। अभी देखते हैं वन बाय वन। समर, ड्यूरिंग समर द डेज आर वेरी हॉट, हॉट विंड्स ब्लो, पीपल प्रीफर टू रिमेन इंडोर्स। मीन्स ज़्यादातर लोग अपने घर में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत सारी गर्मी होती है, गर्म पवन भी आती होती है उन दिनों, इसीलिए दे यूज़ फैंस एंड एयर कंडीशनर्स फॉर स्टेइंग कूल। ठंडे रहने के लिए, गर्मी से थोड़े बचने के लिए वो फैंस चलाते हैं, और एयर कंडीशन हो तो वो भी चलाते हैं, वो भी यूज़ करते हैं। दे एन्जॉय कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम्स, वो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और आइसक्रीम भी खाते हैं, ठंडी ठंड से बचने के लिए है। दे वेयर लाइक कॉटन क्लोथिस, और पहनने में भी वो कॉटन क्लोथिस ही यूज़ करते हैं गर्मियों के दिनों में। नेक्स्ट, रेनी सीजन, ड्यूरिंग द रेनी सीजन द स्काई इज ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स। रेनी सीजन के दौरान स्काई मीन्स आकाश पूरा बादलों से छाया हुआ रहता है, घने बादल रहते हैं आकाश में। स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, बहुत जोरों से पवन आती है। देयर आर शॉवर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, थोड़े थोड़े टाइम पर बारिश थोड़ी थोड़ी होती है, उसे हम शॉवर बोलते हैं। सम टाइम देयर इज हैवी रेनफॉल, कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। पीपल वियर रेनकोट्स और यूज अम्ब्रेलाज, उन दिनों पीपल उस सीजन में रेनकोट और अम्ब्रेला यूज करते हैं। चिल्ड्रन लव प्लेइंग इन द रेन, बच्चों को पानी में खेलना बहुत पसंद, बारिश के पानी में खेलना बहुत पसंद होता है। नाउ विंटर सीजन, इट इज़ कोल्ड इन विंटर, विंटर के सीजन के दौरान बहुत ठंड होती है। पीपल पुट ऑन वूलन क्लोथिस, सर्दी से ठंड से बचने के लिए पीपल वूलन क्लोथिस पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। दे सिट नियर अ फायर टू कीप देमसेल्व्स वार्म, वो ऐसे लकड़ियाँ जलाकर उसके पास फायर के पास बैठते हैं अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए। दे लाइक टू ड्रिंक हॉट ड्रिंक्स लाइक टी और कॉफ़ी, ठंड से बचने के लिए वो हॉट ड्रिंक्स पीते हैं, जैसे कि चाय और कॉफ़ी और सूप भी पी सकते हैं गर्मा गर्म। नेक्स्ट, नाउ आई नो, नंबर वन, द वेदर चेंजेस ड्यूरिंग द डे, इट इज कोल्ड एंड प्लेजेंट इन द मॉर्निंग, इट इज हॉट एट नून, इट इज कूल एंड प्लेजेंट इन द इवनिंग अगेन। एक दिन में इतने चेंजेस हो सकते हैं, होते ही भी है। नंबर टू, द वेदर चेंजेस फ्रॉम वन डे टू अनदर, एक दिन के बाद दूसरे दिन भी वेदर चेंज होते हैं, उसके कौन कौन से चेंजेस है। फर्स्ट, ऑन सनी डेज द स्काई इज क्लियर, ऑन क्लाउडी डेज द स्काई इज ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स, ऑन विंडी डेज वेरी स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोस। नंबर थ्री, द वेदर चेंजेस फ्रॉम सीजन टू सीजन, एक सीजन के बाद दूसरे सीजन में क्या चेंजेस आते हैं। इट इज़ वेरी हॉट इन समर, समर के सीजन में गर्मियाँ होती है। इन इट रेन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन में बारिश होती है। इट इज़ कोल्ड इन विंटर, विंटर सीजन में ठंड पड़ती है। नेक्स्ट, समेटिव असेसमेंट, लेट्स आंसर क्वेश्चन वन। नेम द सीजन इन विच वी डू ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, ऐसे सीजन के नाम लिखिए, ये एक्टिविटीज़ आपको रीड करनी है और लर्न करके उसकी सीजन का नाम यहाँ पे लिखना है
क्या एक्टिविटी हम कौन से सीजन में करते हैं इससे हम सीखेंगे। नंबर वन, पुट ऑन लाइट कॉटन क्लोथिस। लाइट कॉटन क्लोथिस हम कब पहनते हैं? समर सीजन में। सो वी हैव टू राइट हियर SUMMER, समर। नंबर टू, पुट ऑन वुलन क्लोथिस। गर्म कपड़े कब पहनते हैं, कौन से सीजन में? विंटर सीजन में, WINTER, विंटर। नंबर थ्री, वियर रेनकोट्स। रेनकोट्स हम कब इस्तेमाल करते हैं? रेनी सीजन में, RAINY, रेनी, SEASON, सीजन, रेनी सीजन। नंबर फोर, सिट बाय फायर विंटर, WINTER, विंटर। नंबर फाइव, ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स हम कब पीते हैं? समर सीजन में, SUMMER, समर। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर वन, कैटल्स रिटर्न होम इन द, कैटल्स मीन्स एनिमल्स अपने घर कब लौटते हैं? इवनिंग में, EVENING, इवनिंग। कैटल रिटर्न होम इन द इवनिंग। नंबर टू, एट डाउन पीपल गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। डाउन के मीन्स सुबह के पहले, सुबह सुबह कब पीपल कहाँ जाते हैं तो कौन सी वॉक करने जाते हैं? मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। ऑन अ क्लाउडी डे द स्काई इज ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स। आंसर इज स्काई, SKY, स्काई। ऑन अ क्लाउडी डे द स्काई इज ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स। नंबर फोर, वी एन्जॉय आइसक्रीम्स ड्यूरिंग समर। समर के सीजन में हम आइसक्रीम एन्जॉय करते हैं। वी वियर गम्बूट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में हम गम्बूट इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट टी अगेंस्ट ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ अगेंस्ट फॉल्स वंस। नंबर वन, इन समर इट इज़ वेरी कोल्ड। एफ, ये गलत है, समर सीजन में ठंड नहीं होती है, मीन्स फॉल्स। एफ, इन विंटर वी पुट ऑन वुलन क्लोथिस। हम विंटर के सीजन में गर्म कपड़े, वुलन के कपड़े पहनते हैं, राइट। तो यहाँ पे आंसर आएगा टी। नंबर थ्री, इन द रेनी सीजन डेज आर वेट। रेनी सीजन में वेट मीन्स थोड़ा गीला रहता है, राइट, टी। फोर, ऑन सनी डेज द वेदर इज डल। सनी डेज में वेदर डल नहीं होता है, वेदर क्लाउडी डे में डल रहता है। सो वी हैव टू राइट हियर एफ, दिस, ये गलत है, इसलिए हम यहाँ पे एफ लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, लेट्स हैव फन। नंबर वन, लुक एट देयर पिक्चर्स एंड टेल व्हाट वी यूज इन समर द रेनी सीजन एंड विंटर। यहाँ पे पिक्चर है, उस सीजन में हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ, ये यहाँ पे हमें लिखना है। दिस इज़ होमवर्क फॉर यू, बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द आंसर। फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ समर सीजन, हम देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पंखा चल रहा है, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स पी रही है बच्ची। तो उस पर से हमें यहाँ पे दो लाइन लिखनी है। वी हैव टू राइट, वी यूज फैंस एंड एयर कंडीशनर्स, वी एन्जॉय कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम, वी वियर लाइट कॉटन क्लोथिस। नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ रेनी सीजन, सो वी कैन राइट हियर, वी वियर रेनकोट्स और यूज अम्ब्रेलास। नाउ नेक्स्ट, विंटर सीजन पिक्चर इज गिवन, सो वी हैव टू राइट हियर, वी पुट ऑन वूलन क्लोथिस, वी सिट नियर अ फायर टू कीप आवर सेल्फ वार्म, वी ड्रिंक हॉट टी और कोल्ड ड्रिंक्स। नंबर टू, कलर द पिक्चर्स, वी हैव टू डू फिल द कलर हियर। नाउ नेक्स्ट, नंबर थ्री, फन एंड लर्न, रीड द फॉलोइंग लाइन्स फॉर फन एंड प्लेजर। हमें थोड़े मजा लेने के लिए, थोड़ा समझने के लिए ये पोएम रीड करनी है। लेट्स अंडरस्टैंड एंड रीड। इफ द डे इज वार्म एंड सनी, अभी दिन गर्म और सनी मीन्स ब्राइटनेस वाला होगा सन, तो आइसक्रीम्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स आर यमी, तब हमें आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स बहुत यमी लगेंगे। इफ़ द डे इज रेनी एंड वेट, अभी जो बारिश का मौसम होगा, बारिश का डे होगा, बारिश हो रही होगी, तो क्या होगा? तो चिल्ड्रन लव इट आई बैट, मैं बैट लगाती हूँ कि चिल्ड्रन को मज़ा आएगा उन दिनों में, वो बहुत पसंद करते हैं बारिश की सीजन को।
इफ द डे इज स्टॉर्मी एंड विंडी, अभी दिन स्टॉर्मी होगा, बहुत सारे पवन होगा, बहुत सारी हवा चल रही होगी, तो बेटर रिमेन इंडोर ओ हुडी, तो फिर हमें घर में ही रहना है। So we can write here F.